अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्का मैक्रोनी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट से तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पर बाज़ार की रेडीमेड मैक्रोनी ली है और इसके अंदर से ये साशे निकला है, जिसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। अब हम अपनी मैक्रोनी को बॉईल करते हैं। मैक्रोनी के लिए हमेशा खुले मुंह का बर्तन लें। मैंने यहाँ 2 जग पानी ले लिया है, इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम चेक करते हैं, पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं 2 चुटकी और 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल डाल देते हैं। इससे हमारी मैक्रोनी खिली खिली बनेगी और चिपकेगी भी नहीं। उबलते हुए पानी में मैक्रोनी डाल रही हूँ, इसे चलाते हैं। दस से 12 मिनट में हमारी मैक्रोनी अच्छे से गल जाएगी जी। तो मैक्रोनी हमारी अच्छी सी बॉईल हो गई है, ये देखिए। अब हम इसको छन्नी में डाल देते हैं जी। तो मैक्रोनी को ठंडे पानी से गुजार लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर लगा देते हैं ताकि ये आपस में जुड़े ना। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल लिया है। इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। आधी प्याज मैंने चॉप कर ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसको मिक्स कर दें। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ नरम करेंगे। प्याज नरम हो गई है, अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। लहसुन को अच्छे से भून लेते हैं। बड़े साइज की 3 गाजरें मैंने ली थी और इनको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है, ये देखिए। लहसुन खुशबू देने लगा है। अब हम इसके अंदर गाजर डाल देते हैं और इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। मिक्स करते हैं इसको। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज और डाल रही हूँ। इस प्याज को भी मैंने चॉप करके रखा हुआ था। मिक्स करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने एक छोटी बंद गोभी ली है और इसको इस तरह कट्स कर लिया है। बंद गोभी को मैंने इसमें डाल दिया है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं बल्कि इसको क्रंची रखेंगे। मिक्स करते हैं अच्छे से। 3 छोटे साइज की मैंने शिमला मिर्च ली है और इनको भी क्यूब की शेप में कट करनी है। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको मिक्स करते हैं। 4 टेबल स्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। 4 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया है, इससे इसकी बहुत अच्छी थिकनेस आ जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका आ गया है। 1/2 कप पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। मैक्रोनी के अंदर से जो साशे निकला था वो मैंने इसमें डाल दिया है। मिक्स करते हैं। थोड़ा सा चिकन मैंने लिया था और इसको नमक डालकर बॉईल कर लिया है और इसके रेशे कर लिए हैं, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। बॉईल की हुई मैक्रोनी अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इसे मिक्स करते हैं। सब्जियों का किस कदर जबरदस्त कलर आ गया है जी। तो हमारी लजीज मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर हरी प्याज डाल रही हूँ, इससे ये बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए मिक्स कर लेते हैं इसको भी। हरी प्याज डालने से इसका एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। आप देख सकते हैं हर सब्जी को हमने 2-2 मिनट सिर्फ पकाया है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे बल्कि क्रंची ही रखेंगे। मैक्रोनी को बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त हमारी मैक्रोनी तैयार हुई है।
बहुत ही मज़ेदार बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसकी लुक तो आप देख ही सकते हैं किस कदर कमाल बनी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और जबरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।